मैडम 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 प्लीज शीशा खोलो मैडम मैडम। ये क्या बदतमीजी है मैडम? मैडम मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैडम, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है मैडम, मेरे पास टाइम बहुत कम है मैडम। टाइम कम है इसमें मैं क्या करूँ? एक तो आके यहाँ बदतमीजी कर रहे हो और ऊपर से उम्मीद कर रहे हो हेल्प की। मैडम ये भैंस का टाइम नहीं है, बात को समझा करो मैडम। ओ हेलो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप जैसे लोगों को, अकेली लड़की देखे नहीं आ जाते मुंह खाकर। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं एक इज्जतदार और परिवार वाला आदमी हूँ। अच्छा ठीक है बताओ क्या काम है। मैडम मेरी गाड़ी में एक बच्ची है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, एक गाड़ी वाला उसको मारकर चला गया था और मैडम मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया मैडम। हाँ तो मैं इसमें क्या करूँ? मैडम मुझे जल्द से जल्द बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाना है मैडम, वो बेहोश पड़ी है और उसके खून भी बहुत निकल रहा है मैडम। मैडम मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया मैडम, प्लीज आप उस बच्ची को अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल तक छोड़ दो मैडम। क्या तुमने मेरी गाड़ी को क्या एम्बुलेंस समझा है? मैडम आप प्लीज बहस मत करिए, ये एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है मैडम, अगर थोड़ी सी भी देर होगी ना उस बच्ची की जान चली जाएगी। जान चली जाएगी? अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि उस खून से लथपथ बच्ची को मैं अपनी गाड़ी में डालूं और अपनी सारी गाड़ी को गंदा कर दूं? बेवकूफ समझा है क्या तुमने मुझे? मैडम आप गाड़ी की चिंता मत कीजिए मैडम, अगर आपकी गाड़ी गंदी होगी तो मैं साफ कर दूंगा मैडम, प्लीज बहस मत कीजिए मैडम, प्लीज हेल्प कर दीजिए। ओ हेलो, अपनी सिंपैथी ना अपने पास ही रखो और जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या जमाना आ गया, आजकल इंसानियत नाम की तो कोई चीज रही नहीं है। कोई ऑटो देखता हूँ या किससे हेल्प मांगता हूँ, सबसे पहले बच्ची को देखता हूँ। बेटा बेटा, हाँ अभी सांसें तो चल रही हैं इसकी, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह रहा है, ऑटो देखता हूँ। ऑटो ऑटो। हाँ यार लास्ट ही पीस बचा था और तू मानेगी नहीं, कलर भी मेरे पसंद का ही मिल गया। हाँ यार मजा आ गया शॉपिंग करके। यार एक मिनट होल्ड कर, एक कॉल वेटिंग पे है बहुत देर से। हेलो मैडम, मैं अवकाश हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से अवकाश हॉस्पिटल आ जाइए। क्या मेरी बेटी ठीक तो है? मैडम आप घबराइए मत, बस आप जल्दी से जल्दी अवकाश हॉस्पिटल पहुँचिए। भैया मैं अभी आ रही, हूँ बिल्कुल अभी आ जाऊँ। डॉक्टर साहब कहाँ है मेरी बेटी, मैं उसको देखना चाहती हूँ, ठीक तो है ना वो? देखिए मैडम आप घबराइए नहीं, पहले आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो है ना? मैडम खून तो बहुत बह चुका है और चोट भी बहुत ज्यादा आई है, मैं उसी की रिपोर्ट देख रहा हूँ, बाकी आपकी बच्ची खतरे से बाहर है। ये भगवान मेरी बच्ची को किस चीज की सजा दे रहा है तू? मैडम भला हो उस आदमी का जो आपकी बच्ची को टाइम से हॉस्पिटल ले आया, वरना अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो आपकी बच्ची की जान जा सकती थी। क्या डॉक्टर साहब कौन है वो भला आदमी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, वो भला आदमी मेरे केबिन के बाहर ही बैठा हुआ है, वो बच्ची को छोड़ के नहीं जा रहा है, कह रहे जब तक उसके घर वाले नहीं आ जाते मैं बच्ची को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सुनिए भाई साहब। अरे मैडम आप? भाई साहब वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, अगर फिर भी हो सके तो मुझे आप माफ कर देना। मैडम माफी की कोई जरूरत नहीं है और आप प्लीज बिल्कुल भी मत घबराइए, अब आपकी बेटी खतरे से बिल्कुल बाहर है, बस थोड़ी देर में आप अपनी बेटी से मिल पाएंगे। भाई साहब मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी और आपकी मदद ना करके अपनी ही बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैडम मैं तो बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि सड़क पर किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है और उस समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारा अपना है या पराया, बस तुरंत उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। मैडम ये हादसा और एक्सीडेंट किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी हो सकता है, उस समय हमें सबसे आगे बढ़कर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ताकि हम समय पर उसकी जान बचा पाएं।
भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही कई इंसानों की जानें बच जाती हैं। हाँ जी मैडम, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हमारी वजह से किसी की जान बच जाए तो इससे बड़ा तो पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी और मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए आपका ये एहसान मैं पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ।